अरे कैसे कैसे अनपढ़ कुत्ते पाल रखे हैं, इतना तो पता होना चाहिए कौन जेंटलमैन है और कौन चोर। साले चोर। अरे बे तेरी है ऐसी की तैसी। चोर चोर के घर से चोरी। तुम चार लोग मिलकर इस अकेले को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने पारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कौन है बे? मैं सीआईडी हूँ। ओह ये क्यों घबरा गए सीआईडी का नाम सुन के? तेरी सीआईडी में रह दूं? हटो रे हटो, मेरी बारी है, मेरी बारी है। अरे कितना बड़ा कबूतर, दोबारा दिख मत जाइए बे। अरे सर जल्दी करो ना। दयासा नमस्ते। तू कौन है बे? सर मैं ओम। तू? मैं सातिया। नहीं नहीं सर, मेरा नाम ओम है। अच्छा अच्छा चल काम बता। सर आज अभिजीत सर को दस्त लग गए हैं, वो आ नहीं सकते हैं। हाँ तो? तो उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया है। तू कौन है? मैं अभिजीत की मौसी का लल्ला। हाँ तभी तू इतना लल्ला। oh, no. अबे ओए सीआईडी नहीं है कोई ऐसा वैसा खेल, यहाँ अच्छे अच्छे जाते हैं फेल। सर प्लीज मुझे रख लो, सर प्लीज मुझे रख लो। मेरी माँ की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं एक अच्छा सीआईडी बनूं। बे तेरी शकल नहीं है सीआईडी जैसी। सर अब अरे क्या कर रहा है, नीचे से दे नीचे से। अगर एसीपी बुड्ढे ने देख लिया ना तो इसमें से भी अपना हिस्सा मांगेगा। ला अब ठीक है। ओह yeah. सर जी एसपी सर कहाँ है? हमारे एसपी सर वो काम कर रहे हैं जो आज तक ना किसी टीवी सीरियल में ना किसी बॉलीवुड मूवी में दिखाया गया होगा। वो देख या अली मदद। ये तो टट्टी कर रहे हैं। हाँ तो सही तो काम है ने, मेरी बिस्लरी की बोतल ले गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये सर मैंने सीआईडी को पहली बार टट्टी करते देखा है, मजा आ गया। क्यों मैं क्या मुजरा करके टट्टी कर रहा था जो तुझे मजा आ गया है? अरे इमरजेंसी है, किसी को भी आ सकती है। दया ये पकड़। लाइए सर। अबे इसे पकड़ने के लिए रुमाल की क्या जरूरत है, बिस्लेरी के पानी से साफ करके आया हूँ। अच्छा सर yeah. अरे सर हो गया फिनिश? हाँ मेरा फिनिश हो गया। ये कौन है? अरे सर अभिजीत की तबीयत खराब है ना तो वो नहीं आ सकता, तो अपनी जगह उसने ये भेज दिया है। सीआईडी कोई मजाक नहीं है जो ऐसे अरे गहरे को शामिल कर ले। है? सर ये बहुत अच्छा जासूस है, एक केस तो अभी अभी सॉल्व करके आ रहा है। क्यों दया सही कह रहा है? हाँ सर। oh, no. अच्छा सुबह मुंह धोया था? ना सर नहीं धोया। कोई बात नहीं मैंने भी नहीं धोया, आओ चलो केस सॉल्व करते हैं। क्यों बे अंधा है क्या? ओए खबरदार जो तूने हमारे एसीपी सर को अंधा कहा तो। सही कह रहा है तू, दिखने में तो गधे जैसे लग रहे हैं, गधा ही बोलना चाहिए था गधा। बस बहुत हुआ। oh, no. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एसीपी सर की बेइज्जती करने की? माना कि वो गधे जैसे दिखते हैं तो क्या तू उनकी बेइज्जती करेगा? दया बेटा दया बेटा बहुत होगी तरफदारी, छोड़ आ रंद आ। सर आप बीच में बताइए, अभी मैं इसको बताता हूँ। अब बोल के दिखा गधा। गधा अब की बार बोल के दिखाइयो। गधा अब बोल के दिखा। गधा गधा अब क्यों बेइज्जती करा है, चल छोड़ जाने दे इसको। अब बोल के दिखाइयो। गधा ओए चल छोड़। अब बोल के दिखाइयो। गधा 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 गधा। सर आप मुझे वहां से क्यों बुला लाए, मैं उसे सबक अच्छा सिखा के मानता। दया तू पागल हो गया है, एक तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं करता और तू और बेइज्जती कराया जा रहा है, हैं? अरे सर वो आपकी बेइज्जती थोड़ी कर रहा था, वो तो गधे की बेइज्जती कर रहा था। गधे की बड़ी चिंता है तुझे, हैं? गधा तेरा फूफा लगता है क्या? सर ये बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। और तू क्यों नहीं बोला? सर मेरी तो नई नई भर्ती हुई है। नई भर्ती हुई है तो बात करना ही बेकार है, चलो
सॉरी सर। घर तक छोड़ा उसे? नहीं सर, उस पर साइकिल है, वो चली जाएगी। अबे थूकने के लिए बोला, गेट खुलवा। सर मेरी तो नहीं भर्ती हुई है। दया? यस सर। दरवाजा खुलवा। सर मैं गेट खोलता नहीं, गेट तोड़ता हूँ। तू रहने दे बेटा, मैं खुद खोल लूंगा। एसीपी सर नमस्ते। नमस्ते। दया भाई नमस्ते। नमस्ते। और क्या हाल है? बढ़िया है। भाई साहब मुझसे भी नमस्ते करो, मैं तो रह गया। अरे हाँ नमस्ते, पर मैंने आपको कहीं देखा है। यूट्यूब पर देखा होगा, यूट्यूब पर हमारा चैनल है SPO वीडियोस बड़े अक्षरों में। हाँ सही कह रहे हो, SPO वीडियो वाले बड़े फेमस हो रहे हैं। अरे हाँ हमारे स्पॉन्सर भी SPO वीडियोस वाले हैं। अगर तुम दोनों की नौटंकी खत्म हो गई हो तो हम की बात करें? हाँ ठीक है सर। सर मैं वो आपको चाय। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं सुबह ही दो गिलास चाय पी के आया हूँ मस्त। दो गिलास? दया भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए। मैं कह रहा था चाय पिला के समय नष्ट करते हुए सीधे प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। आइए सर आइए। तू चल पहले नई भर्ती। आइए आइए। सर यहाँ मैं अपना दो दिन पहले अंडरवियर सुखाने आया था, जब मैं वापस आया तब मेरा अंडरवियर नहीं मिला। ये पता करके बताइए मेरा अंडरवियर किसने चुराया है। मुझे पता चल गया तो मैं उसकी पैंट चुरा लूंगा। सर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या गड़बड़ है? अबे वही तो पता करने आए, क्या गड़बड़ है, चल काम पर ध्यान दे। अरे दया, अरे कुछ चुरा मत लेना। हाँ सर ठीक है, सर ठीक है, छतरी तो ले जा, कहीं मानूंगा। जितार कैसे? नहीं नहीं मजाक करूं, मजाक। ठीक है सर। करंट आ रहा ना, वैसे ड्रामा कर रहे हैं। सर ऐसा भी हो सकता है अंडरवियर हवा से उड़ के किसी पड़ोसी के यहाँ चला गया हो। बिल्कुल हो सकता है सर, इसका मतलब दो दिन पहले हवा किधर की चल रही थी ये पता करना पड़ेगा। यू आर राइट। अरे इधर आइए। दो दिन पहले हवा किधर की चल रही थी क्या तुम्हें मालूम है? हवा सर? हाँ सर, दो दिन पहले मैंने हवाई जहाज जाता हुआ देखा जरूर। अबे हवा से हवाई जहाज का क्या मतलब है? कोई और चीज बताओ जो हवा से उड़ती हो। हाँ सर मैंने चिड़िया जाती हुई देखी, इधर जा रही थी चिड़िया। क्या उल्लू आदमी है, चिड़िया हवा से उड़ती है क्या? सही कह रहा? सही बता दूसरा। हाँ सर दो दिन पहले पतंग उड़ती हुई देखी थी इधर। किधर किधर किधर? इधर इधर। दया इसका मतलब अंडरवेयर इस पड़ोसी के। यू आर राइट सर, सुनो इस केस को तो मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरा केस है। सर ओ भाई साहब अभी आ रहा हूं, ठीक है? यही है ये, हम यहाँ खड़ा ही रहे हो। सर अब की बार मैं जाऊंगा, मेरा भी तो काम देख लो। क्या है? देखिए आप अंदर चलिए, हमें इंटरव्यू देखना है। अरे सुनते हो, एक बूढ़ा और दो आदमी छेड़ रहे हैं। बूढ़ा? किधर है मुर्गे? कौन है वो? यही है तीनों कुत्ता से। सर जागी बंदूक तो हम तो बड़ी है, चलो जल्दी निकल लो। ये जो हमें बंदूक दिखा रहे हो ना, हमारे एसीपी साहब है ना,
रोज इससे बड़ी बंदूक से खेलते हैं। जीपी को तो देख। Oh yeah। भाग ले रे। सर, अंडरवियर का क्या? अबे उसके अंडरवियर के चक्कर में हमारी अंडरवियर गीली हो गई। बाहर में जाने अंडरवियर कह देंगे, फोन करके पड़ोसी के पास है तेरी अंडरवियर। चल चल आ, नहीं भरती आ।